सीवान जिले के दरौली प्रखंड के कई मुखिया दरौली के प्रखंड विकास पदाधिकारी लाल बाबू पासवान के खिलाफ धरना पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि दरौली के वीडियो लाल बाबू पासवान ने चक्री पंचायत के मुखिया रविंद्र बैठा को धमकी दे डाली है और इसी को लेकर कई मुखिया उनके खिलाफ धरना पर बैठ गए। यह आरोप है धरना पर बैठे सभी मुखिया का। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में तख्तियां लेकर और वीडियो के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कई मुखिया धरना पर बैठे हुए हैं। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए ये सभी लोग धरना पर बैठे हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें आपको हम दरौली से दिखा रहे हैं, जहां पर वीडियो के खिलाफ कई मुखिया एकजुट हो गए हैं और जमकर उनके खिलाफ हल्ला बोला है। एटीएन लाइव के लिए विनोद कुमार दरौली। आप लोग किस लिए धरना पर बैठे हैं? कल की घटना है। आज कुरंट टाइम जो बना है उसमें सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी कुरंट टाइम पर व्यवस्था होगा वो आपदा के राशि से होगा, लेकिन तनासा दरौली के वीडियो के द्वारा चक्री पंचायत के जो दलित मुखिया हैं रविंदर बैठा जी, उनको फ़ोन पर धमकी दिया कि आप हम ऑर्डर देते हैं और कि पंचम वित्त राशि से आप पैसा उतार कर और क्वारंटाइन सेंटर पर खर्चा की दिए, वह लिखित मांगे। इसी पर उनके योजना को बंद करने का, विकास के गति को रोकने का वीडियो ने बात कहा है और चक्री पंचायत के मुखिया को अपमानित किया है। वह चक्री पंचायत के मुखिया का अपमानित नहीं है, पूरे जनप्रतिनिधियों का अपमानित है। इसलिए हम लोग आज वीडियो की बर्खास्ती के लिए हम लोग धरना पर बैठे।